आसान माता की पूजा को कहीं कहीं पर दुर्दुरिया की पूजा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आज हम आपको पूरी आसान माता की पूजा दिखाएंगे कि हमारे यहाँ कैसे आसान माता की पूजा होती है। आप लोग देख सकते हैं कि ये लैया, गुड़, चना, पेड़े, ये सब आसान माता को भोग में लगाया चढ़ाया जाता है। दोस्तों ये सुहागने बुलाई जाती हैं। हमारे यहाँ कुछ इसी तरह से आसान माता की पूजा होती है। तो यहाँ पर पूरी 16 महिलाएं हैं और सबके कोंछे में ये लैया, गुड़, पेड़े और चने दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये पूजा कोंछा लेने के बाद ही स्टार्ट होती है। तो ये पूजा स्टार्ट होने जा रही है। हमारे चाची की यहाँ पूजा हो रही है आसान माता की। तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि कोंछा लेने के बाद ये पूजा स्टार्ट करेंगी माता जी की चौकी पर। इन जो है इनका पूजा अर्चना कुछ इसी प्रकार से होती है। ये पाटा है जहाँ पर माता जी को स्थापित किया गया है, उनकी प्रतिमा बनाई गई है। और ये बेटी है इनकी, बेटी की शादी हुई है इनके यहाँ, तो इसी वजह से ये आसान माता की पूजा करवा रही हैं, दुर्दुरिया खिला रही हैं। क्योंकि जब शादी होती है, बेटा की शादी हो या बेटी की शादी हो, किसी की भी शादी होती है हमारे यहाँ, तो दुर्दुरिया खिलाई जाती है, आसान माता की पूजा की जाती है बड़ी धूमधाम से। आस पड़ोस की सारी महिलाओं को बुलाया जाता है और इस पूजा को विधि विधान के साथ किया जाता है। जो भी महिलाएं आई हुई हैं सबके कोछे में प्रसाद दिया जा रहा है। ये सारी महिलाएं हमारे पड़ोस की हैं। सुहाग का भी सारा सामान माता जी को चढ़ाया जाता है। इनकी जो चौकी होती है इसी पे बिंदी, चूड़ी, सिंदूर, जो भी सुहाग का सामान होता है वो सब चढ़ता है। फूल चढ़ाए जाते हैं, गौरी माता भी रखी जाती हैं। और अभी देख सकते हैं आप लोग कि थाली में भी प्रसाद रखा जा रहा है। तो अभी कुछ महिलाएं नहीं आई हैं तो उनके नाम से अलग थाली में प्रसाद निकाल कर रख दिया जाएगा और जब वो आएंगी तो उनके आंचल में दे दिया जाएगा। देखिए इसी तरह से एक दूसरे के आंचल में महिलाएं प्रसाद देती हैं, एक दूसरे का कोछा भरा जाता है इसी तरह से। और आसान माता की पूजा आराधना की जाती है। अभी लड़की ने पूजा नहीं की है जिसकी शादी हुई है, अब उसने भी पूजा स्टार्ट कर दिया है। तो जब घर वाले पूजा कर लेते हैं उसके बाद और बाकी की महिलाएं एक एक करके माता जी की पूजा अर्चना करेंगे। पूजा का विधान बस यूं ही है, पहले आप जल छिड़किए, उसके बाद माता जी को सिंदूर लगाइए, फूल चढ़ाइए, धूप दिखाइए और माता जी से आशीर्वाद लीजिए। जो भी सुहाग का सामान हो वो भी इसी तरह से चौकी पे चढ़ा दिया जाता है। पूजा करने के बाद माता जी की कथा कही जाती है, सबसे बाद में आरती कही जाएगी। दोस्तों तो आशा है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी, आसान माता की पूजा कैसे होती है आपने समझ लिया होगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।